कोई ऐसा बैंक जिसमें भाई हमें बेस्ट सर्विस प्रोवाइड किया जाए, लाइक हमें भाई चेकबुक का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, डेबिट कार्ड का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, पासबुक का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, प्लस जैसे हम इस अकाउंट को ओपन करें ना तो हमें भाई मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, साथ में हमें भाई फिजिकल कार्ड प्रोवाइड किया जाए जिससे हम भाई एटीएम विड्रॉ कर सके। वैसे कोई इस वीडियो में आप लोगों को भाई बंधन बैंक के बारे में बताने वाला हूँ, रीजन क्योंकि इस बैंक में ना आप लोगों को सारा का सारा फीचर्स प्रोवाइड किया जाएगा। आप बेसक भाई ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन कर लो, लेकिन आप भाई इसका पासबुक भी आप ले सकते हो। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे नियो बैंक है जो आप ऑनलाइन ओपन करते हो लेकिन उसका भाई पासबुक प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन भाई अगर आप बंधन बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हो ना तो डेफिनेटली आप लोगों को भाई पासबुक प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस चेकबुक हो गया, प्लस मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग यूपीआई का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। सो इस वीडियो में बंधन बैंक का अकाउंट ओपनिंग का पूरा तरीका बताने वाला हूं, प्लस भाई आपको इसमें क्या फीचर्स क्या बेनिफिट मिलेगा ये भी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हम आ चुके भाई अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे। सबसे पहले आप लोगों में डाउट क्लियर कर दूं, बंधन बैंक का भाई लिंक वेबसाइट में ऑलरेडी भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर रखा है, आप वहां पे क्लिक कीजिए और अपना ब्राउजर भाई कोई भी ओपन कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले बताया गया न्यू डिजिटल सेविंग अकाउंट वीडियो के वाई सी और यहाँ पे कॉन्टेक्टलेस एंड पेपरलेस का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब कि वीडियो के वाई सी के थ्रू आपका अकाउंट ओपन किया जाएगा, पेपर आप लोगों को भाई सबमिट नहीं करना, फिजिकल नहीं जाना यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और किसी को भी कॉन्टेक्ट करने का जरूरत नहीं है। पूरा आप लोगों को भाई डाउट क्लियर हो गया और यहाँ पे देखिए आप लोग बताया जरा ओपन न्यू डिजिटल सेविंग अकाउंट इन जस्ट ए फ्यू मिनट स्टेप विद वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन। नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे फीचर्स के बारे में बताया गया है। सो सबसे पहले भाई फीचर्स की बात करते हैं। सो यहां पे देखिए कंप्लीट भाई पेपरलेस है और यहां पे कॉन्टेक्टलेस अकाउंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और यहां पे क्यू का आप लोगों को भाई बंधन बैंक इसका मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए और इसका मंथली एवरेज बैलेंस आप लोगों को भाई 5000 देखने को मिलेगा, मतलब कि भाई यहां पे आपके अपने अकाउंट में 5000 रुपए बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और यहां पे देखिए अट्रैक्टिव एंड एक्सक्लूसिव शॉपिंग ऑफर मिलता रहेगा, गेट वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड आप लोगों को ऑन रिक्वेस्ट यहां पे देखने को मिलेगा, मतलब कि इसका वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड आप भाई रिक्वेस्ट कर सकती हो। आप लोगों को भाई अपने आप आपके एड्रेस पे भाई डिलीवर नहीं किया जाएगा, फर्स्ट आपको भाई रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। और यहां पे देखिए मल्टी सिटी ऐड पर चेकबुक ऑन रिक्वेस्ट, आप यहां पे चेकबुक रिक्वेस्ट कर सकती हो, टर्मिनल कंडीशन देखने को मिल जाएगा। फी एंड चार्जेस की बात करें तो यहां पे फी एंड चार्जेस के बारे में यहां पे बताया गया है कि यहां पे क्लिक करके अपना फी एंड चार्जेस वगैरह चेकआउट कर सकती हो, जैसे कि यहां पे देखिए इंटरेस्ट वगैरह अकाउंट का भाई यहां पे पर एनएम पे इंटरेस्ट मिलेगा अकाउंट में जो भी बैलेंस रहता है। और यहां पे देखिए डेली बैलेंस अप टू 1,00,000 यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि डोमेस्टिक आप कहीं पे भी सेविंग अकाउंट वगैरह इसमें आप रख सकते हो डेली का, और 1,00,000 से 10,00,000 का इंटरेस्ट यहाँ पे ये सब देखने को मिलेगा, बैलेंस अप टू 1,00,000 का इतना भाई इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 1,00,000 से 10,00,000 के बीच में इतना मिलेगा और यहाँ पे 10,00,000 से 2,00,000 के बीच में रहेगा इतना मिलेगा, 10,00,000 से 50,00,000 के बीच में रहेगा तो इतना बैलेंस यहाँ पे आप लोगों को इंटरेस्ट आप लोगों को भाई दिया जाएगा। इंटरेस्ट यहाँ पे पूरा आप लोगों को भाई डिटेल प्रोवाइड किया गया, आप जरूर भाई चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं भाई इसका एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी पे हम भाई क्लिक करेंगे। सो देखिए भाई इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ऑलरेडी भाई इस बैंक में कोई भी आपका अकाउंट नहीं होना चाहिए तभी आपका अकाउंट ओपन किया जाएगा। इंडिविजुअल कस्टमर भाई इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं जो 18 प्लस हैं। और यहाँ पे बताया गया है यह अकाउंट सिर्फ ओनली इंडिया से ही अप्लाई कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा आपके मोबाइल में होना चाहिए या लैपटॉप में ओपन कर रही हो तो उसमें भाई आपका कैमरा होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है जिस नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक है उसी नंबर से अपना अकाउंट ओपन करना, नहीं अदरवाइज ओपन नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पे पूरा भाई डिटेल प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ में भाई यहाँ पे देखिए एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा पीडीएफ, इसका भाई आप डाउनलोड कर सकते हो, इस पीडीएफ में आप लोगों को भाई क्या क्या देखने को मिलेगा। सो जैसे कि यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल प्रोवाइड किया गया, योर न्यू डिजिटल सेविंग अकाउंट हियर का ऑप्शन मिल जाएगा जो इस अकाउंट के बारे में पूरा डिटेल प्रोवाइड किया गया, जो भाई फ्यू मिनट में न्यू डिजिटल अकाउंट इन ए फ्यू मिनट में आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। थॉट यहाँ पे पेपरलेस कॉन्टेक्टलेस एंड विद आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर अपना फिल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वीडियो के वैसे के थ्रू वेरीफाई कर दिया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया न्यू डिजिटल सेविंग अकाउंट का भाई क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट है, जैसे कॉन्टेक्टलेस पेपरलेस आप लोगों को कहीं पे विजिट नहीं करना, वीडियो के वैसे से अपना वेरीफाई कर लेना है पूरा केवाईसी। और यहाँ पे 24 घंटा अवेलेबल रहेगा भाई इनका कस्टमर एनी टाइम, कभी भी आप सपोर्ट ले सकते हो क्योंकि एक्सिस बंधन बैंक इसका मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग कभी भी आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बताया गया कि मिनिमम बैलेंस एवरेज भाई 5000 होना चाहिए, वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप इसका चेकबुक रिक्वेस्ट कर सकते हो, इसका भाई अट्रैक्टिव शॉपिंग ऑफर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे यही भाई डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। नीचे में टोल फ्री नंबर है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, टोल फ्री नंबर पर भाई कॉल करके पूरा डिटेल अपना भाई ले सकते हो। सो अब बात करेंगे भाई कैसे हम इसे ओपन कर सकते हैं। सो देखो ओपन एंड अकाउंट ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप लोगों को भाई क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही सबसे पहले आगे का आप लोगों को भाई डिटेल अपना भरना पड़ेगा, जैसे पैन नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया। सो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अपना वही यहाँ पे नंबर फिल करना है जो आपके आधार कार्ड में लिंक है। सो चलिए नंबर फिल करते हैं, ये टर्म एंड कंडीशन भाई टिक कर देना है कि आई एम इंडियन सिटीजन एंड टैक्स
रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, इंडिया में ही टैक्स पे करता हूँ। सो यहाँ पे भाई नंबर फिल करना है, टर्म टिक करना है, ओपन नाउ पे भाई क्लिक कर देना है। सो जैसे मैंने भाई ओपन नाउ पे क्लिक किया, यहाँ अपना लोकेशन अलाउ करना पड़ेगा, अलाउ करती आपके नंबर पे भाई ओटीपी आएगा, वन टाइम ओटीपी यहाँ पे फिल करना है 6 डिजिट का, एंड यहाँ पे कंटिन्यू बटन है, कंटिन्यू बटन पे भाई क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद बताया जा रहा है नीड्स अब मोर डिटेल, आपको ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे इंटर योर ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी इधर फिल करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे भाई क्लिक कर देना है। और नीचे में बताया जा रहा है मैनी डेट रिक्वायर्ड, यहाँ पे पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर आपका होना चाहिए और आधार कार्ड में जो भी नंबर लिंक रहेगा उसी से अकाउंट ओपन करना है, तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। सो चलिए ईमेल आईडी फिल करके सबमिट बटन पे भाई क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बताया जा रहा है 7 स्टेप में आपका अकाउंट भाई इजीली ओपन कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपका पैन नंबर वैलिडेट पे क्लिक करना है, अपना आधार नंबर फिल करना है, गेट ओटीपी पे भाई क्लिक कर देना है, आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर रजिस्टर रहेगा उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी अपना फिल कर देना है, टर्म एंड कंडीशन भाई टिक कर देना है, यहाँ पे ये पूरा टर्म एंड कंडीशन देखने को मिल जाएगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू बटन पे भाई क्लिक कर देना है। तो मैंने अपना पैन नंबर फिल कर दिया, वैलिडेट पे भाई मैंने क्लिक कर दिया, वैलिडेट पे क्लिक करते यहाँ पे टिक हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है और नीचे में गेट ओटीपी पे भाई क्लिक कर देना है, आधार का ओटीपी वेरीफाई कर देना है। मेरे यहाँ पे पर्सनल डिटेल निकल के आ चुका है, मेरा एड्रेस आ चुका है, नीचे में आप भाई सिंगल लो मैरिड हुआ आप लोगों को भाई सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपके मदर का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, एजुकेशन क्या है, कैटेगरी क्या है, यहाँ पे फिजिकल स्टेटस भाई नॉर्मल आप भाई कर सकते हो, अगर आपको भाई कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप लोग भाई नीचे में सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब नीचे में यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका अपना घर है या रेंट पे रह रहे हो, भाई कंपनी ने आपको प्रोवाइड कर रखा है, पूरा डिटेल फिल करना है, आपका धर्म क्या है वो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद नीचे में देखिए आप यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस आपका क्या रहेगा, सो मेरा ये आधार कार्ड का कम्युनिकेशन एड्रेस है, सो यहाँ पे भाई ये टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके एरिया में जो भी ब्रांच रहेगा अपना सिटी का यहाँ पे नाम फिल कर देना है, आपके यहाँ पे जैसे सिटी के नाम फिल करते हो प्रोसीड टू इनकम डिटेल पे क्लिक कर देना है। सो पर्सनल डिटेल वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ऑक्यूपेशन, भाई आपका अपना बिजनेस है या अदर है या सैलरी बेसिस किसी कंपनी में काम कर रहे हो या सेल्फ एम्प्लॉयड है, सो जो भी आपका रहता है या स्टूडेंट हो, सो यहाँ पे भाई सिलेक्ट कर लेने हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे में आपका भाई एनुअल इनकम, भाई साल में आप भाई कितना अर्न कर सकते हो, मतलब कि साल में कितना अर्न कर लेते हो यहाँ पे पूछ रहा है, सो 1 लाख या 1 लाख से 5 लाख, 5 से 10 या 10 लाख के ऊपर भी कर सकते हो, सो जितना भी आपका अर्निंग रहता है उसी भी भाई यहाँ पे कर देना है। ये भाई टर्म एंड कंडीशन आपको टिक करना है। फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन ये है कि भाई पॉलिटिक्स में आपका भाई कोई भी एक्सपोज नहीं है, उसके बाद भाई इंडिया के रहने वाले हैं, हम इंडिया में टैक्स पे करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई फिजिकल कार्ड चाहिए, सो यस हमें फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए, और डेबिट कार्ड पे भाई किसका नाम होना चाहिए, सो आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा, सो अपना नाम यहाँ पे कट कर सकती हो, अदरवाइज दूसरा भी नाम फिल कर सकती हो, बट मेरे को मेरा नाम चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है प्रोसीड टू नॉमिनी डिटेल, इस पे क्लिक कर देना है कि नॉमिनी डिटेल आप लोगों को ऐड करना है, सो यस बटन पे हम भाई क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए नॉमिनी का भाई रिश्ता क्या है, आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे ब्रदर है, फादर है, मदर है, वो सिलेक्ट कर लेना है। नॉमिनी का यहाँ पे नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, एंड यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, नॉमिनी का कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है, सो यहाँ पर टिक कर देना है, या अदरवाइज आपका एड्रेस अलग है, नॉमिनी का एड्रेस अलग है, अदर पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर नीचे में नॉमिनी का भाई एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद सिंपल सा प्रोसीड टू रिव्यू पेज पे भाई क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका भाई पूरा पेज यहाँ पे रिव्यू करने का ऑप्शन आ चुका है, और आपका यहाँ पे देखिए रजिस्टर मोबाइल नंबर आ चुका है, आपका ईमेल आईडी, पैन नंबर, आपका आधार कार्ड, नीचे में स्क्रॉल करोगे तो आपका यहाँ पे नाम आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पे जेंडर, आपका मैरिटल स्टेटस, और आपके मदर का नेम, फादर का नेम, हाई स्कूल वगैरह जो भी आपने भाई डिटेल फिल किया वो सब यहाँ पे रिव्यू कर लेना। आपका अपना घर है, सो यस हमारा अपना घर है, आपका जो भी कास्ट रहता है, आपका भाई प्रेजेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, पूरा यहाँ पे डिटेल आ चुका है। उसके बाद अगर कोई गलत रहता है सो यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हो, आपका भाई कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं है, सो कंटिन्यू बटन पे भाई क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते यहाँ पे बताया जा रहा है, इस पे आप लोगों को प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले अपना भाई केवाईसी वेरीफाई करना पड़ेगा, और केवाईसी वेरीफाई करती यहाँ पे आप लोगों को प्रोडक्ट का यहाँ पे डिटेल ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि मंथली एवरेज बैलेंस 5,000 रखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फ्री कैश विड्रॉ एट अदर एटीएम से 5 ट्रांजेक्शन मिलेगा मंथ में, मतलब कि बंधन बैंक ना करके किसी दूसरे आईसीआईसी एचडीएफसी के एटीएम पैसा विड्रॉ करते हो तो 5 ट्रांजेक्शन रहेगा आपको पर मंथ, एक महीने में 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उससे ज्यादा करोगे भाई चार्ज कटेगा। अनलिमिटेड ब्रांच कैश विड्रॉ, मतलब कि बंधन बैंक का ब्रांच जाके आप अनलिमिटेड कैश विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि डू यू वांट टू ऐड योर चेकबुक, सो यस हम चेकबुक ऐड करना चाहते हैं, हमें चेकबुक चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए वीडियो के बाद भाई इस पर टिक कर देना है, और प्रोसीड टू अकाउंट फंड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप लोगों को भाई क्लिक कर देना है। आपके अकाउंट में 5,000 रुपए बैलेंस ऐड करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे देखिए 5,000 से लेके 10,000 तक आप ऐड कर सकते हो, सो 5,000 तक ही हम करेंगे। और नीचे में यहाँ पे बताया जा रहा है प्रोसीड टू डिपोजिट, जैसे आप भाई ये डिपोजिट करती हो ये लास्ट भाई स्टेप चल रहा है, कंफर्म पे हम क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए यूपीआई कार्ड या नेट बैंकिंग से अपना भाई पैसा डिपोजिट कर सकती हो, और आपका ऊपर में देखिए ऑर्डर
आईडी मिल जाएगा, रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और यहाँ पे नियो प्लस आपका जो भी अकाउंट रहता है 5000 डिपॉजिट कर रहे हो। जैसे आप ये भाई डिपॉजिट कंप्लीट करते हो तो आप लोग को बीडी के वाईसी पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और बीडी के वाईसी पे जैसे ही भाई रिडायरेक्ट किया जाता है फिर उसके बाद सिंपल सा बीडी के वाईसी कंप्लीट करना, फिर अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, एफसी कोड वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा और इसका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू अपना भाई अकाउंट मैनेज कर सकती हो और इसका डेबिट कार्ड 12 से 15 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे भाई डिलीवर कर दिया जाएगा। सो इस तरह आप भाई बंधन बैंक का अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी अगर इसके रिलेटेड में कोई क्वेरी आता है सो नीचे भाई कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सो होप आप लोग जो मैंने डिटेल प्रोवाइड किया सब कुछ समझ में आ चुका है, अदरवाइज फिर भी कोई क्वेश्चन है सो नीचे भाई कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सो वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर फर्स्ट में है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।